कल से उनको डिस्ट्रेस कूपन ये जारी होने। यहाँ बहुत कुछ परेशानी आ रही है, ना खाने को मिलता है, 3 महीने से हमको राशन पानी कुछ नहीं मिला है। तो हमने इतना राशन दे रखा है, राशन सब 3 दिन भूखे रह गए। आप लोग कैसे कहते हो आग काटे एक एक रुपए। हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार में चल जाए बस। देश के अलग अलग हिस्सों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूर लगातार खाना न मिलने की बात कह रहे हैं। हरियाणा से पलायन करने वाले मजदूर भी खाना न मिलने की बात कह रहे हैं। ऐसे में जब विपक्ष ने गरीबों की आवाज उठाई तो शिक्षा मंत्री ने सरकार की ओर से सफाई दी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गरीबों को राशन न मिलने की बात को गलत ठहराते हुए कहा कि यदि हुड्डा साहब पता करते तो मालूम होता कि सरकार ने गरीबों को जरूरत से ज्यादा राशन दे दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि हरे राशन कार्ड वालों का भी सरकार ने सर्वे करवा लिया है, जिन्हें शायद जल्द ही राशन दे दिया जाएगा। पता कर लेते हैं, हुड्डा साहब तो पता चलता है राशन शायद ज्यादा दे दिया हमने, जितनी उनकी अपेक्षा है। हमने 3 महीने तक का राशन दे दिया। अगर किसी भी गरीब के घर में जाके देखेंगे तो हमने इतना राशन दे रखा है कि राशन सरप्लस है। और जहाँ तक ग्रीन कार्ड की बात है, उसका भी हमने सर्वे करवा लिया और जल्दी उस पर भी सरकार विचार कर रही है, जल्दी उस पर भी शायद हम। सुना आपने, शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबों को जरूरत से ज्यादा राशन दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि यदि गरीबों के पास जरूरत से ज्यादा राशन पहुंच गया तो फिर प्रवासी मजदूर हरियाणा से क्यों पलायन कर रहे हैं? लगता है कि शायद शिक्षा मंत्री को सच्चाई नहीं मालूम। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम शिक्षा मंत्री को हरियाणा से पलायन कर रही एक महिला मजदूर का बयान सुना देते हैं कि आखिर वो यहाँ से क्यों जा रहे हैं। हमीरपुर जिला से आए हैं, हरियाणा से आए हैं। कहाँ जाना है? यूपी। क्या परेशानी आ रही है? यहाँ बहुत कुछ परेशानी आ रही है, ना खाने को मिलता है, 3 महीने से हमको राशन पानी कुछ नहीं मिला है। जो कुछ था हमारे पास तो हमने खा लिया, 3 महीने हो गए, कंपनी वालों ने हमारा किए का भी पैसा नहीं दिया, इसलिए हम भूख प्यास से तड़प के निकल पड़े। हम परेशान हो गए, हमारे पैरों में छाले भी पड़ गए, बहुत परेशानी है साहब, हमको निकाल दो यहाँ से। ये अकेली रजनी की ही कहानी नहीं है, रजनी जैसे और भी अनेक मजदूर हैं जो राशन ना मिल पाने के कारण भूख से परेशान होकर अपने घर के लिए पलायन कर गए हैं। खैर, शिक्षा मंत्री ने किस आधार पर यह बयान दिया है ये तो वो ही जाने। इतना ही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी 25 अप्रैल को अपने ट्विटर पर एक बयान जारी किया था। अपने बयान में मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरे रंग के राशन कार्ड वालों को भी कल से यानी 26 अप्रैल से डिस्टेंस कूपन जारी कर दिए जाएंगे। चलिए आप भी एक बार सीएम साहब का वो बयान सुनिए। एक वर्ग ऐसा है जिसको सब सुविधाएं देने के बावजूद भी हम उनको सहायता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज ही हमने विचार किया है कि जो हरे रंग के कार्ड जिन लोगों के पास है, अर्थात एपीएल, ऐसे बहुत से लोग हैं एपीएल कार्ड होने के बावजूद भी वो डिस्ट्रेस श्रेणी में देखे गए, उनको भी खाद्यान्न की आवश्यकता थी। जो लोग वास्तव में गरीब थे, किन्हीं कारणों से उनका बीपीएल कार्ड नहीं बन पाया था, ऐसे लोगों को शायद अभी तक सहायता सुविधा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हमने विचार किया कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है कम से कम 3 महीने के लिए, 30 जून तक उनको राशन की दुकान पर मुफ्त राशन देने की बात जो भी एक सूची के आधार पर नीचे से रिकमेंड होकर के आई है, ऐसी 1,40,000 लोगों को सीधा राशन देने का भी आज हमने ये पोर्टल खोल दिया है और कल से उनको डिस्ट्रेस कूपन ये जारी होने शुरू हो जाएंगे। साथियों, अब आपने यहाँ दो बयान सुने। पहले बयान में शिक्षा मंत्री ने कहा कि गरीबों को जरूरत से ज्यादा राशन दे दिया गया है, साथ ही ग्रीन कार्ड वालों पर उन्होंने कहा कि उनका सर्वे हो गया है और शायद जल्द ही उन्हें भी राशन दे दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अपने बयान के अगले ही दिन से डिस्टेंस कूपन जारी होने की बात कह रहे थे। चलिए हरे कार्ड धारकों को लेकर शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। और जहाँ तक ग्रीन कार्ड की बात है, उसका भी हमने सर्वे करवा लिया और जल्दी उस पर भी सरकार विचार कर रही है, जल्दी उस पर भी शायद हम उनको देंगे।
इन सब के बाद आपको अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी होगी। यहां सवाल ये उठ रहा है कि 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिए जाने के बाद आज तक यानी 19 के बाद भी हरे कार्ड धारकों को राशन मिलना शुरू नहीं हुआ है। यदि ऐसा हो गया होता तो फिर शिक्षा मंत्री जल्द ही शायद उन्हें भी राशन देने की बात नहीं कहते। देखना होगा कि सरकार की ओर से अब तक अनदेखी का शिकार हो रहे इस वर्ग को कब तक और क्या रियायत मिल पाती है। भारत 9 के लिए यमुना नगर से सुमित अब्रॉय की रिपोर्ट।